गौतम गंभीर ने लिया बड़ा फैसला, 3 खिलाड़ी लेंगे T20 से संन्यास, अभिषेक शर्मा बने बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। बता दें कि अब टीम इंडिया को नया कोच मिलने वाला है, गौतम गंभीर जल्द ही टीम इंडिया की कोचिंग संभालेंगे। वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से टीम इंडिया की कोचिंग की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल अब 3 भारतीय खिलाड़ी T20 क्रिकेट में आगे खेलते हुए दिखाई नहीं दे सकते हैं और अभिषेक शर्मा इसकी एक बड़ी वजह बन रहे हैं। वो अभिषेक शर्मा जिन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में धमाकेदार सेंचुरी मारी। अपने करियर के पहले T20 मैच में वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन दूसरे T20 मैच में उन्होंने 100 जड़ हर किसी का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इतनी जबरदस्त बैटिंग की जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि T20 क्रिकेट में ऐसा ही बल्लेबाज चाहिए। तो बता दें कि अभिषेक शर्मा की इस बल्लेबाजी की वजह से 3 भारतीय खिलाड़ियों का करियर अब T20 में खतरे में आ गया है। ये 3 भारतीय खिलाड़ी अब शायद T20 क्रिकेट में ओपनिंग नहीं कर पाएंगे और इसमें तो एक अभिषेक शर्मा का बेहद ही खास है, यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड है शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल की, जो इस समय जिम्बाब्वे में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि शुभमन गिल का पत्ता ही भविष्य में टीम इंडिया की T20 टीम से कट जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी कर दी उसे देखकर तो यही लगता है कि इस खिलाड़ी को अब T20 में ओपनिंग करने से हटाना एक बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा खिलाड़ी ओपनिंग से हट गया तो टीम इंडिया के साथ ये सही नहीं होगा। ऐसे में शुभमन गिल की जगह अब खतरे में आ गई है। बता दें कि अभी यशस्वी जायसवाल बाहर है, लेकिन यशस्वी जायसवाल जल्द ही टीम इंडिया से जिम्बाब्वे में जुड़ जाएंगे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी है जो भारत के लिए T20 टीम में जरूर ओपनिंग करना चाहिए। ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में ओपनिंग नहीं कर पाया, लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करने की काबिलियत बहुत है। तो अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल भारत के लिए भविष्य में T20 के नए ओपनर हो सकते हैं और शुभमन गिल को घर बैठना पड़ सकता है। KL राहुल। जी हाँ दोस्तों, KL राहुल भारत के लिए T20 क्रिकेट में कई दफ़ा ओपनिंग कर चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो टीम से बाहर चल रहे हैं। KL राहुल भविष्य में अगर टीम इंडिया के लिए T20 टीम में आना चाहते हैं तो उन्हें ओपनिंग करने का ख्याल तो दिमाग से निकाल ही देना होगा, क्योंकि KL राहुल एक बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में मार धाड़ वाली क्रिकेट होती है और यहाँ पर तेज़तर्रार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज चाहिए होते हैं, जहाँ पर वो यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि KL राहुल भी जल्दी भारत के लिए T20 क्रिकेट खेलना छोड़ दे और संन्यास का ऐलान कर दे, क्योंकि गौतम गंभीर की टीम में KL राहुल की एक ओपनर के तौर पर जगह नहीं बन पाएगी। और KL राहुल भले ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, लेकिन वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहेंगे। ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन भी एक ओपनर खिलाड़ी हैं, लेकिन ईशान किशन हो सकता है कि भविष्य में भारत के लिए T20 क्रिकेट में तो ओपनिंग ना ही कर पाएं। ईशान किशन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, वो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, वो तेज तर्रार शॉट लगा सकते हैं, लेकिन वो भारत के लिए T20 क्रिकेट में ओपनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ईशान किशन खुद एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और उनसे पहले अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं वो अपनी जगह पुख्ता कर चुके हैं। और अगर ये सब छूट भी गया तो वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी है जो T20 टीम में ओपनिंग कर सकता है, और इतने जबरदस्त बल्लेबाज को हटाकर ईशान किशन का वहां पर आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, शुभमन गिल, KL राहुल और ईशान किशन, ये तीनों खिलाड़ी भविष्य में भारत की T20 टीम में जगह नहीं बना पाएंगे और ओपनिंग करने का ख्याल तो इन्हें दिमाग से निकाल ही देना होगा, क्योंकि ओपनिंग बड़ी मुश्किल होती है और ये तीनों खिलाड़ी भारत के लिए T20 क्रिकेट में जाकर ओपनिंग नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ही ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी अब पक्की कर देनी चाहिए, क्या ये दोनों खिलाड़ी ही भारत के लिए ओपनिंग करते रहने चाहिए? क्योंकि अगर यहां से तैयारी होगी तो ये 2 साल में ज़बरदस्त खिलाड़ी बन जाएंगे, या फिर टीम इंडिया को अभी रुकना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।